दोस्तों मैं आपको इंडिया का नंबर वन गेमिंग प्लेटफॉर्म बताना चाहूंगा जिसका नाम है रेडियाना, जो कि साल 2010 से बनू है। यहाँ आपको सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस मिलता है 160 प्लस गेम्स का और 15 प्लस साइट्स का, 100 प्लस ब्रांचेस इन इंडिया में, जहां आपको 24/7 का विड्रॉल मिलता है। साथ ही साथ दोस्तों नीचे आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है, जहां नंबर भी है। खास हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए, अगर आप भी कॉन्टैक्ट करते हो तो रेडियाना आपको बहुत सारा बोनस दे रहे हैं फ्री में, तो अभी जाकर ज्वाइन कर लो रेडियाना को। आज तारीख हो चुकी है 12 अप्रैल। आज एक बार फिर से आईपीएल को लेकर, सभी आईपीएल टीमों को लेकर, क्रिकेटिंग जगत को लेकर कुल 8 बड़ी खबरें और 8 बड़े अपडेट्स निकल कर आए। मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा, आपको सभी 8 बड़ी खबरों के बारे में बताऊंगा, तो काफी इंटरेस्टिंग, काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी ये क्रिकेट के बड़े फैन, तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको क्रिकेट से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। अब हम बात करते हैं सभी 8 बड़ी खबरों की। तो जो सबसे पहली बड़ी खबर निकल कर आती है आरसीबी की तरफ से। दरअसल आरसीबी के लिए आज के मुकाबले से पहले बुरी खबर है, जहां पर हर्षल पटेल इस टीम के कैंप को अब दोबारा अभी तक भी ज्वाइन नहीं कर पाए, जहां पर 2 दिन पहले इनकी सिस्टर की यहां पर डेथ हो जाने के कारण ये आरसीबी के बायोबल को छोड़कर, आईपीएल के बायोबल को छोड़कर अपने घर लौट गए थे। और अभी तक खबर नहीं कि कौन सी तारीख को और कब तक ये दोबारा आरसीबी कैंप को ज्वाइन करेंगे। तो आज का मुकाबला अब इस टीम के यहां पर वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल तेज गेंदबाज हर्षल पटेल यहां पर मिस करेंगे। कुल मिलाकर हर्षल पटेल आज के मुकाबले में यहां पर उपलब्ध नहीं होंगे। इसके साथ ही आप फटाफट डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल कर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, क्योंकि वहां पर हम आपको अपडेट देंगे कि कौन सी तारीख से हर्षल पटेल आखिर आईपीएल में अब उपलब्ध होंगे, और दीपक चहर, जोफ्रा आर्चर को लेकर भी आपको वहां पर अपडेट मिल जाएगा। तो फटाफट डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल कर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, और आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग आरसीबी को आखिर आज हर्षल पटेल की जगह कौन से खिलाड़ी को अपनी प्लेइंग 11 में रखना चाहिए। बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की। तो जो दूसरी बड़ी खबर निकल कर आती है आज होने वाले आईपीएल के मुकाबले को लेकर। दरअसल आज आरसीबी और चेन्नई के बीच हमें आईपीएल का 22वां मुकाबला देखने को मिलेगा, जहां पर आरसीबी ने अब तक खेले 4 मैचों में से 3 मैचों में जीत प्राप्त करी, केवल 1 मैच ये टीम हारी, और 6 पॉइंट्स के साथ पॉइंट्स टेबल में काफी स्टेबल पोजीशन पर ये टीम है। वहीं चेन्नई ने अब तक खेले 4 में से 4 मुकाबलों में इस टीम को हार मिली है। चेन्नई की टीम करंटली पॉइंट्स टेबल में बॉटम पर है। कुल मिलाकर चेन्नई की इस आईपीएल एडिशन की सबसे खराब शुरुआत रही है, वहीं आरसीबी की इस साल यहां पर काफी सही शुरुआत रही है। इन दोनों टीमों के बीच आज आईपीएल का हमें काफी इंटरेस्टिंग मुकाबला देखने को मिलेगा। तो आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग कौन सी टीम आज का मुकाबला जीतेगी, और आपके प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग आखिर आज के मुकाबले में कौन सा प्लेयर मैन ऑफ द मैच बनेगा। आप अधिक से अधिक कमेंट जरूर करें। अब हम बात करते हैं तीसरी बड़ी खबर की। तो जो तीसरी बड़ी खबर निकल कर आती है आरसीबी के अवेलेबल प्लेयर्स को लेकर, जो कि आज के मुकाबले में अब अवेलेबल हो चुके हैं। दरअसल आरसीबी के लिए हर्षल पटेल आज के मुकाबले में अवेलेबल नहीं होंगे, लेकिन कुछ खिलाड़ी यहां पर अब इस टीम के लिए क्वारंटीन समाप्त करके यहां पर आज के मुकाबले में खेलने के लिए उपलब्ध है, जहां पर जोश हेजलवुड और जेसन बेरेंडो अपना क्वारंटीन समाप्त कर चुके कल नेट्स में इन्होंने लगभग 2.5 से 3 घंटा प्रैक्टिस करी थी। तो आज के मुकाबले में अब ये खेलने के लिए पूरी तरीके से अवेलेबल, और जो लेटेस्ट खबरें निकल कर आ रही है उसके अकॉर्डिंग आज डेविड विली को यहां पर ड्रॉप किया जाएगा और हेजलवुड को उनसे रिप्लेस किया जाएगा। कुल मिलाकर आज हेजलवुड को आज प्लेइंग 11 में जगह मिलेगी, तो आरसीबी में आज एक बदलाव होगा। इसके साथ ही हर्षल पटेल की जगह या तो सिद्धार्थ कोहली या फिर करण शर्मा में से हमें कोई एक देखने को मिलेगा। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग आखिर ये आरसीबी की यहां पर आज सही स्ट्रेटजी है या फिर नहीं। इसके साथ ही आप वीडियो को लाइक करके आप चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कर दे। अब बात करते हैं चौथी बड़ी खबर की। तो जो चौथी बड़ी खबर निकल कर आती है पार्थिव पटेल की तरफ से। दरअसल पार्थिव पटेल ने चेन्नई के पूर्व कप्तान एमएस धोनी को लेकर और चेन्नई की फ्रेंचाइजी को लेकर कल एक बड़ा स्टेटमेंट दिया, जहां पर इस स्टेटमेंट के बाद ये सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। इनका स्टेटमेंट लगातार वायरल हो रहा है, जहां पर कुछ लोगों ने तो इनके इस स्टेटमेंट को यहां पर अप्रिशिएट किया, जबकि कुछ लोगों ने काफी अधिक आलोचना, काफी अधिक इनका मजाक उड़ाया, जहां पर पार्थिव पटेल ने यह बताया कि सीएसके की ओपनिंग जोड़ी वर्क नहीं कर रही है, गायकवाड़ के साथ उत्तपा की ओपनिंग जोड़ी यहां पर पिछले साल की तरह नहीं चल रही है, तो इस टीम को यहां पर एक बदलाव करना चाहिए। एमएस धोनी को ये टीम ओपनिंग स्लॉट में यूज कर सकती है। एमएस धोनी ने यहां पर अपने करियर की शुरुआत में टीम इंडिया के लिए कुछ मैचों में ओपन किया था, एज एन ओपनर भी एमएस धोनी काफी सक्सेसफुल रहे। तो यहां पर पार्थिव पटेल ने सीएसके को ये सलाह दी कि एमएस धोनी को ये फ्रेंचाइजी एज एन ओपनर ट्राई कर सकती है, और एमएस धोनी अगर ओपनिंग करते हैं और यहां पर पूरे 20 ओवर खेलते हैं तो चेन्नई को वो जिताएंगे, ये पूरी तरीके से तय। कुल मिलाकर पार्थिव पटेल ने ये स्टेटमेंट दिया। इस स्टेटमेंट के बाद यहां पर कुछ लोगों ने इनकी आलोचनाएं करी, जबकि कुछ लोगों ने इनकी तारीफ करी। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या सचमुच एमएस धोनी को ओपन करना चाहिए या फिर नहीं, पार्थिव पटेल की बात से आखिर एग्री हो या फिर नहीं। बात करते हैं पांचवी बड़ी खबर की। तो जो पांचवी बड़ी खबर निकल
कराती हुआ थी बीसीसीआई की तरफ से। दरअसल बीसीसीआई ने अब आईपीएल के प्लेऑफ्स की तैयारियां शुरू कर दी है, जहां पर बीसीसीआई ने यहां पर नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो कि अहमदाबाद में मौजूद है, जो कि मोटेरा नाम से पहले जाने जाता था, उस स्टेडियम में यहां पर प्लेऑफ्स की तैयारियां शुरू कर दी है। कुल मिलाकर आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि इस स्टेडियम को यहां पर अब बीसीसीआई प्लेऑफ्स के लिए तैयार करने लगा है। तो यहां से ये पूरी तरीके से तय है कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ही हमें प्लेऑफ्स के 70% मुकाबले देखने को मिलेंगे, जबकि 30% मुकाबले हमें लखनऊ के एठाना स्टेडियम में देखने को मिलेंगे। तो बीसीसीआई ने अब तैयारियां शुरू कर दी। अब बात करते हैं छठी बड़ी खबर की। तो जो छठी बड़ी खबर निकल कर आती है लसित मलिंगा की तरफ से। दरअसल लसित मलिंगा ने राजस्थान रॉयल्स के तेज गेंदबाज कुलदीप सेन को लेकर एक बड़ा स्टेटमेंट दिया, जहां पर मलिंगा ने यह बताया कि वो कुलदीप सेन की यहां पर स्पीड से और कुलदीप सेन के बॉलिंग एक्शन से काफी अधिक इंप्रेस हुए। उनका मानना है कि कुलदीप सेन अगर राजस्थान रॉयल्स से यहां पर कंटिन्यू रहेंगे और 2-3 साल इस टीम में खेलेंगे तो आने वाले समय में ये टीम इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, भारतीय टीम का, भारतीय दल का ये भाग हो सकते हैं। आप कमेंट करके बताइए मलिंगा की बात से एग्री हो या फिर नहीं। अब बात करते हैं सातवीं बड़ी खबर की। तो जो सातवीं बड़ी खबर निकल कर आती है माइकल वॉन की तरफ से। दरअसल माइकल वॉन ने यहां पर आईपीएल के मिडल में ही अपनी प्रेडिक्शन कर दी। इन्होंने बता दिया है कि कौन सी टीम इस साल आईपीएल की चैंपियन बनेगी। इन्होंने बताया कि राजस्थान रॉयल्स की टीम आईपीएल 2022 के एडिशन की विनर चैंपियन बनेगी। इनके अकॉर्डिंग इस साल राजस्थान रॉयल्स की टीम आईपीएल जीतेगी। दरअसल इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर माइकल वॉन ने राजस्थान को यहां पर आईपीएल का विनर प्रेडिक्ट किया। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग आखिर कौन सी टीम इस साल आईपीएल जीतेगी, आप कौन सी टीम को आखिर विनर प्रेडिक्ट कर रहे हो। बात कर लेते हैं आठवीं और आखिरी बड़ी खबर की। तो जो आठवीं और आखिरी बड़ी खबर निकल कर आती है आईपीएल 2022 के एडिशन की पॉइंट्स टेबल को लेकर। दरअसल आईपीएल के 21वें मुकाबले के बाद और यहां पर अब हैदराबाद की जीत के बाद आईपीएल की पॉइंट्स टेबल आप अपनी स्क्रीन पर करंटली देख पा रहे होंगे। इस तरीके से आईपीएल की नई पॉइंट्स टेबल बन चुकी है, जहां पर अब हैदराबाद ने पिछले 3 दिनों में 2 मुकाबले जीतकर अच्छा कमबैक किया। मुंबई और चेन्नई को छोड़कर बाकी सभी टीमें यहां पर ऑलमोस्ट स्टेबल पोजीशन पर, लेकिन मुंबई और चेन्नई की टीमें करंटली 4-4 हार के साथ काफी नीचे है। लेकिन आज चेन्नई के लिए तो बड़ा मौका है कि मुकाबला जीतकर कमबैक करे, जबकि कल मुंबई के पास भी अब बड़ा मौका होगा। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग आखिर इस परिस्थिति से मुंबई और चेन्नई की टीम अब दोबारा कमबैक कर पाएगी या फिर नहीं। इसके साथ ही हमारी इस वीडियो करें लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।